गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जितना पढ़े थे क्लियर? अभी तक हिमालय के पर्वतीय दर्रे बचा था ना, और उसके बाद हमको पढ़ना है उत्तर भारत का विशाल मैदान। याद हुआ है कि नहीं हुआ है? याद किए बताओ फिर मुझे, कहाँ के हिमनद बताओगे? सबसे आसान कौन सा है? असम में कौन सा बताया था ये बताओ। एक ग्लेशियर देखे थे असम में, क्या नाम है उसका? ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में देखे थे? मीराथांग। ठीक है, याद कियो ना सब। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो मैप जो है, जो हमने प्रादेशिक विभाजन देखा था, है ना, उसी के लिए इंडस रिवर, सतलज रिवर, पंजाब, हिमालय, है ना, जो कल हमने दूसरे मैप में समझा था, ये सब चीज कल कवर कर लिए थे। आज की क्लास में देखेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे, है ना। दर्रे मतलब क्या होता है? दर्रे मतलब होता है रास्ते, सीधी सी बात है। माउंटेन में, पर्वत में जो रास्ते हमको मिलेंगे, जिसकी सहायता से हम पर्वत को पार करते हैं, उसे हम कहते हैं दर्रे। इसे इंग्लिश में कहते हैं पास, माउंटेन पास कहते हैं, पर्वतीय दर्रे, है ना। तो ये हो गया पास यानी कि दर्रा। जब हम प्रायद्वीपी भारत में आएंगे ना, तो इन्हीं दर्रों को क्या कहा जाएगा? घाटी नहीं, घाट कहेंगे, ठीक है। और फिर तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है इसे? ठीक है, हाँ, तो एक ही नाम है ना, इंग्लिश में पास, हिंदी में दर्रा। प्रायद्वीपी भारत में आएंगे तो घाट शब्द मिलेगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब, ठीक है। ला कहेंगे तिब्बती भाषा में, है ना, चांगला, खारदुंगला। तो डबल डबल हम लोग बोलते हैं, खारदुंगला दर्रा, ला और दर्रा एक ही है ना। तो पर्वतों में बेसिकली जो रास्ते हैं, उन्हीं को कहा जाता है दर्रे। तो इसको मैप में हम समझते हैं कि कौन कौन से प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं भारत के। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में ना दो इम्पोर्टेंट दर्रे मिलेंगे, और उसके बाद बाकी सब जो देखेंगे, सबसे ज़्यादा दर्रे आपको मिलेंगे लद्दाख में। लद्दाख में हमने ग्लेशियर्स भी सबसे ज़्यादा देखे, ठीक है, दर्रे भी यहाँ देखेंगे, और क्वेश्चन यहीं से आते भी है। और जो जो जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे जिनके बारे में पूछा जाता है कि कौन किसको कनेक्ट करता है, उसको भी देखते हुए चलेंगे, ठीक। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में दो प्रमुख दर्रे आएंगे, एक तो है पीर पंजाल और दूसरा है बनिहाल, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा आपको पीर पंजाल रेंज में मिलेगा, और बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल रेंज में मिलेगा। तो एक है पीर पंजाल, दूसरा है बनिहाल, जो जवाहर टनल है ना, जिसके माध्यम से जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, ठीक है, वो बनिहाल दर्रे से ही होके गुजरता है, ठीक। तो जवाहर टनल, कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, जवाहर टनल कौन से दर्रे में है? तो याद रखना बनिहाल में। एक अटल टनल देखेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, जो मनाली को कनेक्ट करता है लाहुल स्पीति से, है ना, वो भी पीर पंजाल रेंज में है। तो पीर पंजाल रेंज में ये तीन दर्रे हो गए, मतलब दर्रे तो नहीं, वो ये तो दो दर्रे हो गए, वो तो एक टनल है, अटल टनल, ठीक है, क्लियर है। पीर पंजाल, बनिहाल, आपको ये पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में है, कौन सी रेंज में है, शायद ही पूछे, थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा वो, तो राज्य वाइज पूछेंगे। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है ये दो दर्रे, ठीक है, बनिहाल हो गया और पीर पंजाल। गुड मॉर्निंग, क्लियर यहां तक। इसके बाद आएंगे लद्दाख में, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। ऐसे तो काफी सारे दर्रे हैं, नहीं तो पूरा दर्रे याद करने में निकल जाएगा ज्योग्राफी, हिमनद जैसे देखे ना वैसे ही। तो पीर पंजाल बनिहाल याद रहेगा, ठीक है। पीर पंजाल तो रेंज भी हम देखते हैं प्रमुख तौर से जम्मू कश्मीर में, दर्रा भी आपको मिलेगा, ये बेसिकली ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी जो हम जो यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा
इसी में बताते चलता हूँ मैं। यहाँ पे मिलेगा आपको जम्मू, ठीक है, ये वाला रीजन मान लेते हैं श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होके जाएंगे, बनिहाल दर्रे में ही टनल है, जवाहर टनल। यहाँ पे आपको मिलेगा ना, क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ये वाले पे, नहीं, वो तो थोड़ा और आ गया है, और आ गया है थोड़ा, ये वाले इसको कंसिडर करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। नहीं, वो तो हिमाचल में है, कारगिल है, कारगिल, ठीक है। और एक यहाँ पे बनाएंगे काराकोरम रेंज, ठीक है, उसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। देखो लिखूंगा मैं थोड़ी देर में, ये तो हो गया हमारा जम्मू, ये है श्रीनगर, ये है कारगिल, ये है लेह, ये है काराकोरम, ठीक है। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जो हमारा लेक है, पैंगांग सो लेक, ठीक है। तो एक ये हो गया, कुछ यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं सुरु घाटी, पैंगांग सो लेक को थोड़ा इधर बनाते हैं। और अब कवर करते चलते हैं, तो जम्मू से जब जाना है श्रीनगर तो बनिहाल दर्रे से होके जाएंगे, ठीक है। अब श्रीनगर पहुंच गए और उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान अगर जाना है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत ये वाले रीजन में, तब तो फिर कौन से दर्रे से होके जाएंगे, यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा, इसका क्या नाम है, नहीं, जो जिला नहीं, बुर्जिल। तो बुर्जिल बोलो या बुर्जिला बोलो, क्योंकि ला का मतलब होता है दर्रा, तो ये है बुर्जिला दर्रा। तो आपको ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, श्रीनगर से गिलगित बाल्टिस्तान, बुर्जिला या बुर्जिल दर्रा, ऐसा भी मिल सकता है, एक ही मतलब है, ठीक है, बुर्जिल या बुर्जिला, क्लियर। ये हो गया हमारा श्रीनगर, ये हो गया, सॉरी, ये तो है जम्मू, ये रीजन है हमारा गिलगित बाल्टिस्तान का। ठीक है, इसके बाद जो जिला किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, श्रीनगर से अगर गिलगित बाल्टिस्तान गए तब तो बुर्जिल पास का यूज किए, अगर श्रीनगर से जा रहे हैं लेह तब यूज करेंगे जो जिला। और ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी ऐसा एक जो एग्जाम हुआ था ना उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जो जिला पास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टनल का भी निर्माण किया गया है ताकि जो साल भर कनेक्टिविटी है ना बनी रहे, बर्फबारी होती रहती है तो 3-4 महीने के लिए फिर रास्ता पूरा बाधित हो जाता है ना, तो इस कारण से टनल भी बनाया गया है यहाँ पे। तो ये वाला जो दर्रा है ये है जोजीला दर्रा, ठीक है, इसको लिखते हैं यहीं पे, तो जोजीला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कौन से राज्य हैं बल्कि किसको किसको जोड़ता है ये पूछा जाएगा इसमें। तो श्रीनगर को जोड़ रहा है लेह से, और लेह के पहले कारगिल है, तो अगर एग्जामिनर ऐसा ही पूछे श्रीनगर को कारगिल से भी जोड़ रहा है तो वो भी सही है, क्योंकि कारगिल जाएंगे फिर लेह जा सकते हैं, ठीक है। तो जो जिला हो गया, अब मान लो लेह पहुंच गए, ठीक है, और उसके बाद जाना है काराकोरम ऊपर की ओर ये वाला, तो ये कौन सा दर्रा होगा, ठीक, तो ये है खारदुंगला, कहाँ पे लिखे हैं, यहीं पे लिखते हैं, तो ये हो गया खारदुंगला। कहाँ से जा रहे हैं, लेह से जा रहे हैं काराकोरम, ठीक है, या सियाचिन, ठीक है, तो उसके लिए खारदुंगला का यूज करते हैं। इसे ये जो पॉइंट बनाया ना ब्लू कलर से, ये है यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा, ये सुरु घाटी मान कंसिडर करते हैं इसको, सुरु घाटी, ठीक है। सुरु जो है ना एक नदी का नाम है, अभी मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सुरु नदी,
सुरु नदी किसकी सहायक नदी है, पता है किसी को? सिंधु नदी की सहायक नदी है, देखेंगे। ठीक है, एक तो आएगी जास्कर नदी जो जास्कर रेंज से निकल रही है, फिर सुरु नदी, ये दोनों सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो बाएं ओर से मिलेगी, अभी तो बहुत सारे देखेंगे, झेलम चिनाब, ये तो बड़ी नदी है तो सब पढ़ते हैं। जो छोटी छोटी नदियां ना, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, सर सियोक है, नुब्रा है ना, तो ये सब देखेंगे। ठीक, तो सुरु नदी इधर से मिल रही है, अगर हम देखें तो दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मिल रही है, बाएं साइड से मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से सिंधु नदी जाएगी तो इधर से मिलेगी। क्लियर है? तो सुरु नदी है तो नदी में घाटी भी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सुरु घाटी अगर जाना है ना लेह से, तो फिर एक दर्रा यहाँ पे आता है, उसका नाम है पेनसिला। ठीक, पेनसिला मिलेगा जो कनेक्ट कर रहा है लेह को किससे, सुरु घाटी से। ठीक है, और अगर लेह से जाना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेक है, क्या नाम है, पैगांग सो लेक। ठीक है, अगर लेह से पैगांग सो लेक जाना है, कभी लद्दाख उद्दाख जाओगे ना तो जाओगे फिर मतलब घूमने के लिए पैगांग सो लेक। फोटो वगैरह हम तो देखे होगे, इमेज में देखे होगे, वीडियो थ्री इडियट्स मूवी देखे हो, आमिर खान लास्ट में जो जाता है ना, वो पैगांग सो लेक का ही सीन है। ठीक है, और इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट भी चलते रहता है यहाँ पे, तो ये तो पता होगा आप लोग को, है ना? पता है कि नहीं पता सबको पैगांग सो लेक के बारे में? नहीं पता है? अच्छा हाँ, तो ऐसे ही बताया करो। ठीक है, पैगांग सो लेक मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है, ये बेसिकली इंडिया के हिस्से में भी है ना, कुछ इस प्रकार से लंबा लेक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने पूरा पहले इंडिया में ही आता था, लेकिन फिर चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया ना अक्साई चीन वाला एरिया, तो अब बेसिकली इस लेक का भी है ना कुछ मतलब अधिकांश क्षेत्र तो चाइना के कब्जे में है। ठीक है, तो भारतीय सेना और चाइनीज की जो सेना है, चाइनीज जो आर्मी है, वो दोनों यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, इस कारण से कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, गलवान घाटी वाला पढ़े होगे, बीच में जो हुआ था है ना, इसी के पास है वो। ठीक है, तो पैगांग सो लेक इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लद्दाख जैसे जो भी घूमने जाते हैं ना, यहाँ नहीं जाएंगे तो लद्दाख पूरा नहीं होता। ठीक है, तो इस अभी जैसे कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जैसे आएगा ना, पूरा बर्फ से जम जाएगा टोटल, तो वहाँ पे आप बाइक भी चला सकते हो लेक में, इतना जम जाता है। ठीक है, और फिर अभी गर्मी के टाइम में अभी हो सकता है थोड़ा पानी मिल जाए वहाँ पे, तो एक लेक मिलेगा। तो लेह से जब जाना है यहाँ पे पैगांग सो, ठीक है, ये, और सो का मतलब है ना, जो लिखा है सो, इसका मतलब तिब्बतन भाषा में होता है झील। ठीक, जैसे ला का मतलब होता है दर्रा, सो का मतलब झील। ठीक है, तो पैगांग झील बोल सकते हैं, तो पैगांग सो झील बोलते हैं हम लोग, पूरा बोल के एक बार और रिपीट। ठीक है, तो पैगांग सो अगर जाना है तो कौन सा दर्रा आएगा, पता है किसी को? चांगला दर्रा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कौन सा पेन है, क्लियर है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसके बाद और कुछ कुछ दर्रे इंपॉर्टेंट, जैसे एक दर्रा कुछ यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद दो यहाँ पे दर्रे देखेंगे, ये तीनों जो दर्रे मिल बता रहा हूँ ग्रीन से जो डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया लनकला, ठीक है, ये वाला हो गया उमलिंगला। ठीक है, और एक और आएगा, वो है इमिसला। ठीक, तो उमलिंगला, इमिसला और ऊपर है लनकला। ठीक है, पूछ ये सकता है किसको कनेक्ट कर रहा है, तो लद्दाख को कनेक्ट किससे करेगा, तिब्बत या चाइना से। ठीक है, चाइना तो भी ठीक, तिब्बत बोलो तो भी ठीक। ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके बाद ऊपर कुछ और दर्रे हैं ना जिनके बारे में पूछा जा सकता है, एक तो यहाँ पे आपको मिलेगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लद्दाख को कनेक्ट करेगा, अगेन तिब्बत या चीन आप बोल सकते हो, क्योंकि चीन ने ऑक्यूपाइड कर लिया है तिब्बत को इस कारण से, तो काराकोरम दर्रा आपको मिलेगा यहाँ पे, नाम से स्पष्ट है काराकोरम रेंज में है। ठीक है, सियाचिन के जब और उत्तर जाएंगे तब,
काराकोरम, ठीक है। तो इतने दर्रे इम्पोर्टेंट है, बाकी दर्रे तो और भी कई सारे हैं, मिंटका पास है, पारपीक है, अघिल है, खुंजेराब है ना, बट उनके बारे में पूछा जाए इसकी संभावना नहीं है। पीडीएफ दूंगा उसमें नोट कर दूंगा, ठीक है। इतना जो इसमें नोट करो ना उसको याद करेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीर पंजाल इम्पोर्टेंट, बनिहाल कहाँ है, जम्मू है ना। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक साथ था तब तो पूरे आ जाते थे सब, ठीक है। केवल जम्मू कश्मीर की बात करें तो बनिहाल और पीर पंजाल, ठीक। अब देखो बुरजिल हो गया और जोजिला बाउंड्री में मैंने डिनोट किया है, लेकिन ये लद्दाख में आएंगे ना। बुरजिल हमारे अंडर में नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आ जाएगा वो, क्लियर है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में। और जोजिला आपको मिलेगा लद्दाख वाले में। तो लद्दाख में कितने सारे दर्रे हो गए, जोजिला एक हो गया, ठीक है। लेह पहुंच गया, लेह से जाना है अगर काराकोरम तो फिर यूज़ करेंगे खारदुंगला का, ठीक है, दो हो गया। लेह से जाना है अगर सुरु घाटी तो फिर दर्रा आएगा पेंसिला। लेह से जाना है पैगांगसो झील तो आएगा चांगला, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तीन है, लनकला है, उमलिंगला, इमिसला, ये कनेक्ट कर रहा है लद्दाख को तिब्बत, ठीक है। ये क्लियर हुआ, काराकोरम में भी तिब्बत चलेगा ऊपर से। मिंटका है, पारपिक है, खुंजिराब है, अघिल है, एमपी का काराकोरम करके हमने पहले क्लास में देखा था, ठीक है। वो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट है बस, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया हमारा लद्दाख। अब जो पूछा जाएगा उसको याद रखना, जोजिला किसको किसको जोड़ रहा है, पहली बात, खारदुंगला लेह को काराकोरम से जोड़ रहा है, इसमें ये भी याद रखना लद्दाख के साथ साथ जोड़ किसको रहा है। ये जो हमारा मेन पॉइंट है जो लेह है, क्योंकि यहीं से हम लोग ने कनेक्ट किया ना दर्रे, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, दो हो गया, एक ये तीन हो गया और एक चार हो गया। सुरु घाटी जाना है तो पेंसिला, पैगांगसो जाना है तो चांगला, काराकोरम जाना है तो खारदुंगला, और अगर इधर श्रीनगर जाना है तो जोजिला, ठीक है। तो लेह से चार दर्रे कनेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा यहाँ पे मिलेगा, उसका नाम है, एक तो मिलेगा बारा लाचाला, ठीक है, एक मिलेगा रोहतांग, एक है यहाँ पे देवसा मिलेगा, और एक यहाँ पे सिप किला मिलेगा, ठीक है। तो बारा लाचल ला हो गया ये वाला, फिर ये है अपना रोहतांग। रोहतांग के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, बारा लाचा के बारे में भी पूछा जा चुका है। देपसा हो गया और शिप किला इंपॉर्टेंट है काफी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों फेमस है ये शिप किला? हाँ, नदी इंटर कर रही है इंडिया में, कौन सी नदी? नहीं, सतलज नदी। सतलज नदी प्रवेश करेगी इसी दर्रे से कहाँ, इंडिया में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, क्लियर। तो शिप किला तो ये याद रखना है, ठीक है, शिप किला दर्रे से होकर सतलज नदी प्रवेश कर रही है इंडिया में, ठीक है। तो ये चार प्रमुख दर्रे हैं जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में, याद रहेगा बारा लाचला, रोहतांग, देपसा और शिपकिला, ठीक है। बारा लाचा, रोहतांग और शिपकिला के बारे में तो पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, और देपसा भी इम्पोर्टेंट पास है एक, ठीक। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हम देखेंगे टोटल तीन तो प्रमुख है, माना, नीति, लिपुलेख, और इसके अलावा तीन और इम्पोर्टेंट देखेंगे। यहाँ पे है उमलिंगला, है ना, लद्दाख में, तो उमलिंगला है यहाँ पे। और यहाँ पे एक दर्रा देखेंगे मुलिंगला, एक देखेंगे मुलिंगला, इसके बाद एक आएगा मंगसा धुरा, जिसके बारे में अभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था मंगसा धुरा के बारे में, एक देखेंगे ट्रेल पास, फिर माना, नीति, लिपुलेख, ये तीन देखेंगे। तो ये सबसे पहले है मुलिंगला, ये उमलिंगला है, ये मुलिंगला है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना। उमलिंगला कहाँ मिलेगा, लद्दाख में, मुलिंगला मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। तो उमलिंगला है इधर, मुलिंगला है। इसके बाद एक दर्रा मिलेगा मंगसा धुरा, इसके बारे में पूछा गया है किसी एग्जाम में, मैंने पढ़ा था ऐसा मुझे याद है। मंगसा धुरा, ये जो माउंटेन पास आपको मिल रहा है ये है ट्रेल पास, जो नंदा देवी माउंटेन पीक है ना, एक है नंदा देवी,
उसके जस्ट बगल में है नंदा कोट, ये दोनों के बीच मिलाने वाला जो रास्ता है ना, वही है ट्रेल पास। और ट्रेल एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इस रास्ते को खोजा, तो उन्हीं के नाम पे ट्रेल पास। ठीक है, तो हो गया एक मुलिंगला हो गया, फिर मंगसाधुरा ट्रेल पास हो गया, और तीन है माना नीति लिपु लेक। ठीक है, यहाँ तक सिक्किम में आएंगे अब। यहाँ तक क्लियर है सबको? माना नीति लिपु लेक ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा है मुलिंगला, मंगसाधुरा और है ट्रेल पास। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कितने दर्रे देखे? दो तो इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, चार में बताया था ना। ठीक है, एक देखेंगे नाथुला जलेपला, ठीक है, एक देखेंगे नाथुला से ही संबंधित, क्या नाम है बताओ, नाथुला से रिलेटेड मिलता जुलता नाम, नकुला। ठीक है, तो पहले इधर देखते हैं, नाथुला हो गया। हाँ, डोंकिया है, एक है नाथुला ये वाला, और फिर है जलेपला, ये वाला हो गया डोंकिया। ठीक, और ये है नकुला, तो ये चारों याद रखना है। ठीक है, नकुला है भाई, नकुला नाथुला अलग अलग है, दोनों ही है सिक्किम में। ठीक है, तो नकुला डोंकिया नाथुला जलेपला, ये चार है सिक्किम में प्रमुख इम्पोर्टेंट। क्लियर, जनरली बुक में आपको मिलेगा नाथुला जलेपला, कुछ कुछ में डोंकिया भी मिल जाएगा, और कुछ अलग में। एक जो जियोग्राफी की बुक आप पढ़ सकते हैं पेरियार की आती है, ठीक है, पेरियार पब्लिकेशन की अगर बुक अगर रिफ़र करना है तो उसकी भी अच्छी रहती है, माजिद हुसैन की भी अच्छी रहती है, लेकिन फैक्ट उतने आपको नहीं मिलेंगे जितना मैं बता रहा हूँ ना, फैक्ट नहीं मिलेंगे, कंसेप्ट थोड़ा ठीक है, फैक्ट कम मिलेंगे। और जो ये सब एग्ज़ाम है पीएससी के व्यापम के, उन लोग जियोग्राफी से फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो मैं जितना बता रहा हूँ उससे बाहर तो आएगा नहीं, पहली बात। ठीक है, अगर आएगा तो किसी से नहीं बनेगा भाई, फिर उस पर भाग नहीं मत। ठीक है, वो बुक में भी फिर नहीं मिलेगा, रेयर हो जाएगा वो, तो ये चार याद रखना। ठीक है, और इसके बाद फिर आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। ठीक है, एक असम में याद रखेंगे, यहाँ पे एक मिल जाएगा जो हम लोग हिमनद देखे ना, ग्लेशियर, लेखा पानी, तो लेखा पानी दर्रा याद रखना असम में एक। ठीक है, और कुछ बुक्स में देखेंगे ना तो लेखा पानी अरुणाचल में दिखा देगा, बट लेखा पानी स्थान आपको मिलेगा असम में, तो चाहे दर्रा हो चाहे ग्लेशियर हो असम में ही मिलेगा, है ना, तो लेखा पानी। हाँ, क्या? पेरियार, पेरियार, हाँ। ये जो देखो जियोग्राफी ऐसा है कि एक तो बुक आती है माजिद हुसैन की, ठीक है, माजिद हुसैन की इंडिया ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। माजिद हुसैन की ज्योग्राफी को जब मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ता था ना तब यूज़ किया था, तो समझने के लिए अच्छा है, बट ना फैक्ट ज़्यादा नहीं मिलेंगे उसमें, है ना, और मिलेगा भी तो ऐसे मतलब थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्म में मिले, ऐसा मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया भाई। ठीक है, पेरियार की बुक बहुत अच्छी लगी, पेरियार पब्लिकेशन की मिलेगी एक बुक मेरे पास है, मैं कल ले आऊँगा। ठीक है, देख लेना, तो पेरियार अच्छा है, मैपिंग वगैरह भी बढ़िया है उसमें। ठीक है, पेरियार मतलब ऐसा, अब एकदम फैक्ट भी नहीं पढ़ सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर किसी की लिमिट होती है, तो अच्छा खासा उसमें दिया है, मैपिंग के माध्यम से दिया है, रिवर वगैरह है जो भी है, तो अच्छा है, समझाया उसमें, पेरियार का अच्छा है। माजी हुसैन का उतना मतलब फैक्चुअल वाले एग्जाम में जहाँ पे फैक्ट ज़्यादा आते हैं वहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं पड़ेगा वो। और कुछ कुछ ऐसे एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, बट उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल, और यूपीएससी का कर रहे हो तो ठीक है। ठीक है, स्टेट पीएससी के लिए, अब छत्तीसगढ़ पीएससी में प्रीलिम्स में देखोगे जियोग्राफी कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 के आसपास मिलेंगे, है ना, इन्वायरमेंट को ही मिला दोगे ना तो 10 12 13 हो जाता है, अब हर ईयर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मिलेगा ऊपर नीचे, तो इस हिसाब से पेरियार का बुक अच्छा है, उसको रिफ़र कर सकते हो। और एक महेश बर्नवाल की बुक आती है, शायद कोई यूज़ किए भी होगे, किए हो आप, महेश बर्नवाल की बुक भी ठीक है, वहाँ वो भी अच्छी है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक ज्ञान प्रकाशन है, उसकी भी आती है, तो ज्ञान प्रकाशन है, महेश बर्नवाल, ये दोनों ना सेम सेम टाइप के मिलेंगे लगभग, है ना। ज्ञान, अगर आप हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक यूज कर रहे हो?
हिस्ट्री के लिए ना ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ज़्यादा अच्छी है। हाँ ज्ञान पब्लिकेशन की, वो आपको ना मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं करना है, मेंस बस लिखना है, लिखोगे तब जब समझ आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग प्रीलिम्स कर रहे हैं, कभी आगे जाके फिर बाद में हम मेंस का जब क्लियर करेंगे ना, तो इसी नॉलेज के आधार पे आंसर कैसे लिखना है उसको समझेंगे, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे और आंसर लिखना कैसे वो समझेंगे मेंस में। ठीक है क्लियर है। तो ज्ञान की जो बुक आती है ना, ज्ञान पब्लिकेशन की, एक तो पेरियार हो गया भूगोल के लिए, ज्ञान पब्लिकेशन का ना अलग अलग बुक मिलेगा, भूगोल का ही मिलेगा, बहुत सारे इकोनॉमी वगैरह सब निकालते हैं, शायद पॉलिटी का भी निकालते हैं, बट एक तो मुझे हिस्ट्री का पसंद है, बहुत अच्छा बताया है, एकदम मस्त दृष्टि का, अच्छा है मैं देखा हूँ, बट मुझे ज़्यादा अच्छा इसका लगता है ज्ञान का। अलग अलग पढ़ोगे तो वो रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, CGPSC के हिसाब से प्रिलिम्स हो चाहे मेन्स हो, इस बुक से काम चल जाएगा, पढ़ के कंसेप्ट हो जाएगा ना, तो मेन्स भी आंसर लिखते बन जाएगा, कैसे लिखना है क्या लिखना है हम बताएंगे बाद में जब इसका मेन्स का डिस्कशन करेंगे तो, लेकिन यहाँ से प्रिलिम्स तो पूरा क्लियर हो जाएगा फैक्चुअल। ठीक है, और जियोग्राफी के लिए इसको रिफ़र कर सकते हो, बाकी महेश बर्नवाल भी है सब है, बट मैंने देखा है मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा पेरियार का। ठीक है तो यहाँ तक क्लियर, अब असम के कुछ दर्रे देख लेते हैं। अब जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत भी है, लेकिन CGPSC के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा वो, दृष्टि का बुक रिफ़र कर सकते हैं वहाँ पे पॉलिटी के लिए, अगर बुक पढ़ना है तो, अदरवाइज बुक पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि जितना बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है, उससे बाहर आएगा ही नहीं, है ना, 90 से 95% का गारंटी ले सकता है कोई भी, 100 का नहीं है। ठीक है, हाँ पॉलिटी में तो 100 भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा करेंट अफेयर को कनेक्ट करते चलोगे ना तो फिर हो जाएगा वो। तो अब आ जाते हैं असम में, यहाँ पे देखते हैं कुछ, असम नहीं अरुणाचल प्रदेश, असम में याद रखना एक ना लेखा पानी, ठीक है, ये वाला जो कल ग्लेशियर भी देखे थे, लेखा पानी स्थान है वहाँ पे, आपको दर्रा भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखो, अभी के टाइम पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रा है न सिर्फ अरुणाचल, पूरे इंडिया में, वो है सेला पास। ठीक है, सेला पास में अभी हाल ही में एक टनल का निर्माण किया गया, सेला टनल, इंडिया को मतलब बेसिकली यहाँ से जो हमारे सैन्य कैंप है जो असम में, वो अगर इन फ्यूचर मतलब चाइना के साथ वैसे भी टकराव की स्थिति बनी रहती, खास तौर पे ये वाला जो रीजन है तवांग वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो तवांग क्षेत्र में चीन, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है ना, ठीक है, अभी हाल ही में क्या बोलते हैं हमारे जो पर्वतारोही है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, एक माउंटेन में क्लाइम किए, मतलब पर्वतारोहण किए, और उसका नाम दलाई लामा के नाम पे रखे, जो 6वें दलाई लामा थे उनके नाम पे रखे। अब चाइना इस बात से फिर गुस्सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी मानता है वो, अरुणाचल प्रदेश के कई सारे क्षेत्र के नाम चाइना अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में रखता है ना, जो उन लोग का लैंग्वेज चलता है, तियान शान कुन्नून शान समझ सकते हैं उन लोग, जो पहाड़ देखे तो वैसा ही कुछ और बना दिए। तो इंडिया के कुछ पर्वतारोही उन्होंने यहाँ पे ना माउंटेन क्लाइम की, तो एक प्रमुख चोटी का नाम दलाई लामा, जो 6वें दलाई लामा थे उनके नाम पे रखा। ठीक, तो चाइना इस बात से गुस्सा हो गया। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा सेला पास, तो एक सेला पास याद रखना, क्योंकि अभी हाल ही में ना टनल का निर्माण किया गया यहाँ पे, सेला टनल, गूगल करोगे तो मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पूरा बर्फ से ढका हुआ एरिया, तो टनल बनाना इसीलिए जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो फिर बर्फबारी होगी, रोड ब्लॉक हो जाएगा, जाएंगे कैसे। ठीक है, कनेक्टिविटी कट गया, और पता चला इधर से चाइना अपना रोड और बना के कनेक्टिविटी मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही तो है चाइना का पॉलिसी। ठीक, तो सेला पास याद रखना। एक एक दर्रा देखेंगे बोमडिला, और एक है बुमला। और एक तो है सेला। ठीक है, तो सेला हो गया, बोमडीला हो गया, बुमला हो गया। ठीक है, इसके बाद एक दर्रा आ जाएगा तुंगा, तुंगा पास हो गया, फिर एक हमको हमको मिलेगा यांगियाप। ठीक है, एक फिर मिल जाएगा दिहांग, और फिर यहां पे एक दर्रा मिलेगा दीफू। ये दर्रा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया, चाइना और म्यांमार ट्राई जंक्शन पे है, दीफू, या इसको दीफर भी लिखते हैं इंग्लिश में ना। दीफू बोलो या दीफर बोलो। ठीक है, तो कौन सा दर्रा भारत, म्यांमार और चीन की सीमा पे स्थित है, ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना दीफू या दीफर पास। ठीक है, पूछ
पूछा भी जा चुका है ऐसा इस सेम टाइप का क्वेश्चन। तो यांग्याप हो गया दिहांग, यांग्याप से तो इंटर की अरुणाचल प्रदेश में, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर दिहांग दर्रे से होके जाएगी, दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा ही प्रश्न आ सकता है ना, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र को किस नाम से आता है, दिहांग, तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, फिर जब असम में आएगी और एक और सहायक नदी मिलेगी दिबांग, दिहांग से फिर उसे कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पास से तो एक प्लेस मिलेगा सदिया यहाँ पे जब इंटर की असम में ब्रह्मपुत्र, और सदिया से फिर इस प्रकार से प्रवाहित होते होते जाएगी असम के मैदानी भागों में ट्रेवल करते हुए कुछ इस प्रकार से फिर इंटर करती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्थान मिलेगा धुबरी, ये वाला है प्लेस धुबरी जहां से वो मुड़ गई और बांग्लादेश में इंटर की ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला जो स्थान है वो है सदिया, ठीक है। तो सदिया से धुबरी तक लगभग 720 किलोमीटर ट्रेवल की, 720 किलोमीटर लंबा प्रवाहित हुई ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे, असम में, ठीक है। तो सदिया से धुबरी हमारा नेशनल वाटरवे 2 भी है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 लगभग 720 किलोमीटर लंबाई है। नेशनल वाटरवेज 1 हम लोग गंगा नदी में देखते हैं इलाहाबाद से लेके कोलकाता तक, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और इसी क्षेत्र में एक हमको नदी द्वीप मिलेगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली आइलैंड मिलेगा, ठीक है, और जिला भी बना दिया है, एक द्वीप भी है जिला भी बन गया असम में, पहले जिला नहीं था, ठीक है। बता रहा हूं, नेशनल देखो वाटरवेज जैसे होता है हाईवे सड़क मार्ग, वैसा ये जल मार्ग, हिंदी में कहेंगे जल मार्ग, ठीक है। वाटरवेज देखा, WATER WAYS, जल मार्ग। अब जल मार्ग जो है वो क्या है, मतलब पानी है, देखो आप परियो मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान कौन कौन से माध्यम से जा सकते हो, रोड से जा सकते हो, बाई एयर जा सकते हो, बाई ट्रेन भी जा रहे हो, अब वो भी जमीन में ही है, जमीन पे तो ट्रेन मिल गया रोड मिल गया, पानी में कैसे जा सकते हैं, बोटिंग के माध्यम से जा सकते हैं, है ना, नाव चलाते हुए जा सकते हैं अगर आता होगा तो, ठीक है। तो ये सब माध्यम है ट्रेवल करने के, स्थल में, जल में, वायु में, और कोई कुछ। अभी एक हाइपर लूप बन रहा है, सुने हो हाइपर लूप के बारे में, नहीं पता किसी को, नहीं उड़ेगा नहीं, वो बता रहा हूँ वो सबसे अच्छे में से एक है, अब आप लोग को, हाँ थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो, एक ना इस प्रकार से ना ट्यूब बन जाएगा, ट्यूब, ठीक है, हाँ बस बहुत सही है ना, इसे कहेंगे हाइपर लूप। ओ मैग्नेट से ही काम होगा यहाँ पे। तो अब ट्रेन जैसे चल रही है तो रेलवे ट्रैक भी छा है उस पर ट्रेन चली, ये वैक्यूम ट्यूब बनाएंगे, मान लो जैसे हर चीज तो गुजरात मुंबई में पहले चालू होता है तो पहले यही बनेगा, तुतरी बनेगा, ठीक है। अभी बुलेट वाला भी चल रहा है ना, और शायद इस पे काम चालू है, ठीक है। तो हाइपर लूप में क्या होगा, एक वैक्यूम ट्यूब बनाएंगे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, वहां पे ना हवा मिलेगा आपको ना कुछ मिलेगा, मतलब घर्षण फ्रिक्शन बहुत कम, ना के बराबर रहे, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, ठीक है। और इसके अंतर्गत ना आपको एक ट्यूब मिलेगा, मतलब इस प्रकार से इसका कनेक्शन कहीं से नहीं रहेगा, ठीक है, किसी से टच नहीं है, ट्रेन के जैसे टच नहीं है, नीचे चक्का ऊपर में तार ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक आपको ट्यूब मिलेगा, उसमें आप बैठोगे और स्टेशन रहेगा जहां जहां पे बैठना है, फिर पूरा ट्यूब रहेगा, बस इसके अंदर चलेगा ये, मतलब ये क्या हो गया हमारा, हाइपर लूप है, इसके अंदर ट्यूब चलेगा, वो दिखेगा नहीं हमको, है ना, समझ गए, आप अंदर में रहोगे। और हाँ तो सोच के थोड़ा लगेगा यार बाहर कैसे निकलूँ इमरजेंसी में, है ना, तो नहीं निकल पाओगे जहाँ जहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला प्रोजेक्ट ना भी चल रहा है, ये ना सऊदी अरब वगैरह में ना, मतलब वहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, समझ आ रहा होगा देख के, है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा हमको। तो हाइपर लूप एक नया मतलब है परिवहन का साधन, और इसकी जो स्पीड है ना लगभग लगभग, मुझे अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा, एरोप्लेन की स्पीड के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा है आई थिंक, इसकी जो स्पीड है मुझे ख्याल से ज़्यादा है शायद तक, है ना, एक बार देखना पड़ेगा। और लेकिन जिस स्पीड से अगर मान लो
कोई गया है प्लेन में यहाँ से कहीं भी? अगर मान लो मुंबई जाते हैं रायपुर वगैरह से, तो लगभग 1.5-2 घंटे का समय लगता है। तो अगर हाइपर लूप से अगर जाएं, अगर मान लो इन फ्यूचर अगर रायपुर से मुंबई बने, तो अगर 2 घंटा अगर प्लेन में लग रहा है, तो ये 1 घंटा या 1.5 घंटा हम पहुंचा देगा। समझ रहे हो, ये वाला चीज है। तो ये ट्यूब रहेगा इस प्रकार से, पिलर रहेंगे ऐसे, और ये जमीन में ऐसे ऐसे करके रहेगा। समझ गए, इस प्रकार से बनेगा ये। ट्रेन नहीं चलेगा, ट्यूब रहेगा, उसके अंदर आप रहोगे, ठीक। और पूरा डिटेल रहेगा सब चीज़, आपको सब चीज़ दिखेगा कहाँ पे हो आप। वो जैसे अब बुलेट वुलेट ट्रेन में भी है, मतलब बुलेट ट्रेन तो हमारे है नहीं, जैसे कि मेट्रोज वगैरह हम जाओगे जैसे, तो सब चीज़ दिखाते रहता है ना कहाँ पे पहुँचे, रूट क्या है, तो वैसा ही इसमें बताएगा, पूरा स्पीड बताएगा सब चीज़, ठीक है। तो ये हाइपर लूप एक नया मीडियम है, अभी आया नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे, ठीक। तो दर्रे की बात, नेशनल वाटरवे समझ आया? तो नेशनल वाटरवे तो लगभग अभी तो कितने हैं, 106 से ज़्यादा है, ठीक है। जो मेन है, पांच प्रमुख है, अपवाह तंत्र वाला जब देखेंगे, नहीं अपवाह तंत्र नहीं, परिवहन जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे देखेंगे, हाईवेज वगैरह में लास्ट लास्ट में, तो नेशनल वाटरवेज भी आएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। तो ये नेशनल वाटरवेज 2 है, सदिया से लेके धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये हो गया हमारा दर्रा, ये माजुली द्वीप है, ठीक है। तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, है ना। तो सेला पास याद रखना है, बोमडिला है, बुमला है, सब अरुणाचल में, ठीक है। इसके बाद है तुंगा पास, फिर है यांगियाप, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर की इंडिया में, और फिर एक पास मिल जाएगा हमको दिहांग, क्योंकि दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग पास भी मिलेगा। फिर है दीफू जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो एक दो और इम्पोर्टेंट पासेस हैं, जैसे कि एक मिल जाएगा पांग साड, ठीक है, या पांग साउ भी इसको कहते हैं, साड को कुछ जगह पे साउ भी मिलेगा लिखा, पांग साउ या पांग साट, एक दर्रा मिलेगा, ठीक, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश में। तो इतने याद रखने हैं, एक चंकन भी है बट उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। असम में याद रखना है लेखा पानी, ठीक है, लेखा पानी ग्लेशियर भी देखे थे ना, तो लेखा पानी याद रखना, असम से रिलेटेड है ये। ये हो गया नागालैंड, नागालैंड छोड़ देंगे, मणिपुर आएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दर्रा है लास्ट, जो पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, यहाँ पे हमने पढ़ा तुंगा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे मिलेगा तुजू, ठीक है, तो तुजू पास याद रखना है, ठीक। नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में है, और मणिपुर और मिजोरम में हो सकता है डाउट, क्योंकि ऑप्शन जब भी देगा दोनों देगा, ठीक है। तो मणिपुर याद रखना, ऊपर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम नहीं, मणिपुर। इम्फाल को जोड़ रहा है किससे, कहाँ से जुड़ेगा, कौन सा देश है बगल में, म्यांमार, ठीक है। वैसे ये पांग साट भी है, म्यांमार कनेक्ट करेगा। चंकन जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर नीचे ही है, वो भी म्यांमार जुड़ेगा। दीफू तो म्यांमार भी जा सकते हैं, तिब्बत भी जा सकते हैं, चाइना, ठीक है, ये वाला जो हो गया, क्लियर, यहाँ तक याद रहेगा। तो ये है प्रमुख दर्रे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। यहाँ तक क्लियर सबको? कुछ फैक्ट देख लेते हैं फिर समझते हैं। विशाल मैदान की बात करें उत्तर भारत के, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? एक तो देखो, हमने देखा था कुछ इस प्रकार से, देखते हैं इधर, हाँ, नदियों के द्वारा, ठीक है। जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं वो अपने अवसाद लेके आ रही है, ठीक है। एक तो पर्वत का निर्माण तो हो गया इस प्रकार से, ये तो हम उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, हिमालय की, ठीक है। कई सारी नदियां निकल रही है, नदियां प्रवाहित जब होगी तो अपने साथ गाद, सिल्ट, चट्टान, कंकड़ पत्थर भी लेके आएगी, कहीं ना कहीं तो उनको डिपॉजिट करेगी, जमा करेगी, ठीक है। तो वही लाखों साल के प्रोसेस से यहाँ पे बेसिकली मैदान का निर्माण हुआ, विशाल मैदान, ठीक है। न सिर्फ इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए गाद से, बल्कि जो प्रायद्वीपी भारत है हमारा, ठीक है, उसकी भी कई सारी जो नदियां हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होगी, जो हम देखेंगे ना, भी गंगा नदी मिलेगी, चाहे चंबल नदी की बात करें, केन, बेतवा, ये सब, सोन नदी की बात करें, ठीक है। तो ये भी अपने द्वारा जो अवसाद लाएगी उसको कहाँ डिपॉजिट करेगी, यहीं पे। तो इन्हीं हिमालय के जो प्रमुख नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों से, प्रायद्वीपी भारत की वो नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है उनके द्वारा लाए गए अवसादों से इस पूरे विशाल मैदान का हुआ है निर्माण, ठीक है। तो इसी को ही हम कहते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, क्लियर। तो निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से।
इसका विस्तार जो हमको देखने को मिलेगा पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक मिलेगा इधर, ठीक है, इस पूरे मैदान का। और ये सिंधु नदी का मैदान हम देखेंगे, पाकिस्तान में मुख्य तौर पे ज़्यादा है, पूरा पाकिस्तान ही सिंधु नदी का मैदान है, ठीक है। बांग्लादेश में देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर डेल्टा देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक है। अगर मैं बात करूं इसकी चौड़ाई की, है ना, तो चौड़ाई किस क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगी ये बताओ, पश्चिम में या पूर्व में? ये जो मैदान है हमारा, ठीक है, हाँ, इसकी जो चौड़ाई है ये पश्चिम में ज़्यादा मिलेगी। सेम जैसे हिमालय के जैसे पश्चिम में चौड़ा, जैसे जैसे पूर्व गया सकरा होता गया, वैसे ही पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे मैदान की भी चौड़ाई कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, स्टेटमेंट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सिंधु गंगा नदियों के मुहाने के बीच, मुहाने बोलने का मतलब है ये वाला सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे वो मिल रही है सागर से, सिंधु नदी का हो गया, गंगा नदी का हो गया। तो इस मुहाने के बीच की अगर लंबाई की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंधु और गंगा नदियों के मुहाने के बीच की जो दूरी है इसकी बात करें तो लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है, फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, बस जनरल अवेयरनेस के लिए देख रहा है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच वेरी करेगा, बट देखेंगे अभी कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, ठीक है। आपको याद रखना सबसे संकरा कहाँ पे मिलेगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें ना, तो सबसे संकरा हमको मिलेगा ब्रह्मपुत्र घाटी असम में, ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्लियर है। असम में मैदान जो है वो सबसे संकरा मिलेगा, ये वाला जो बात कर रहे हैं चौड़ाई की, ठीक है। सबसे ज़्यादा चौड़ा मिलेगा इधर देखेंगे सिंधु नदी वाले में, है ना, जो ये जो है पूरा ये कुछ ज्यादा चौड़ा है। तो ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सब एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, पहले ही बता रहा हूँ, बस अवेयरनेस के लिए है, ताकि थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ये सब फैक्ट कब काम आएगा पता है, जब मेंस लिखोगे आंसर राइटिंग, ठीक है, तब जब आएगा ना सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में, मान लो एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे ऐसा कुछ आ गया, तब यही सब लिखना रहेगा एग्जाम में, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना रहेगा मैदान के बारे में। तब आप बताओगे ना लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इसको जितना पता मेरे को नहीं पता बोलेगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई लिखा है डेटा एकदम तो सही होगा भाई करके, ठीक है। तो ये फैक्टर तब काम आएगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, नहीं सही बता रहा हूँ। ये जैसे कुछ कुछ एक दो चीज़ अगर मिलाएगा ना, और उसके बाद अगर सही फाइंड आउट हुआ तो फिर बाकी भी सही होगा वो सोचेगा, ठीक है। हाँ, पहले तो देखो कभी भी आंसर लिखेंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो पहले निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, तो नदियों के द्वारा लाया गया अवसादों से, चाहे हिमालय की नदियों के नाम लो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही, निर्माण हो गया। निर्माण हो गया तो लगभग क्षेत्रफल बता दिया, लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरा मैदान विस्तारित है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व की ओर चौड़ाई कम है, ठीक है। तीन फैक्ट मिल गया, निर्माण कैसे हुआ, क्षेत्रफल मिल गया, ये सब फैक्ट मिल गया। लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई है, अगर एक दो डेटा डाल दोगे ना फैक्ट के बीच में तो आंसर और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, ऑथेंटिक थोड़ा, हाँ बच्चा पढ़ के आया है ऐसा। नहीं तो जैसे कि निर्माण कैसे हुआ, हाँ निर्माण तो ठीक है नदियों से हुआ है बता दिए, क्षेत्रफल में एक डेटा आ गया 7 लाख, ये थोड़ा अच्छा है, चलो ठीक है। बाकी पश्चिम में चौड़ा, पूर्व की ओर सकरा है, ये तो आसान है, वो कोई भी देखेगा समझ जाएगा ऐसा सोचेगा, बट एक दो डेटा वाले डाल देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है आंसर, ठीक है। ये जो फिर यहाँ पे समझ आए, मैदान जो हो गया पश्चिम में चौड़ा, पूर्व की ओर सकरा है, और ये जो फैक्ट लिखा है जलोढ़ की जो मोटा, यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई ज़्यादा जो उत्पाद है कृषि उत्पाद वो हमको उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पंजाब हरियाणा से, ठीक है। ये जो फैक्ट है जलोढ़ की जो मोटाई है वो ऑन एवरेज 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर है, मोटाई मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये पूरा मैदान है ना, ये हिमालय है, ये पूरा मैदान है, तो ये जो मोटाई है इसकी मोटाई की बात कर रहे हैं, है ना, समझ गया ना, मोटाई मतलब ये, जैसे ये जो हम जिस सरफेस में उसके नीचे कितना गहरे तक, ठीक है, तो लगभग 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर जलोढ़ मिट्टी है। ऐसा नहीं है पूरा मिट्टी मिट्टी मिलेगा, चट्टान मिलेगा भाई, ऐसा नहीं है, तभी तो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, नहीं तो धस जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मतलब औसतन की बात करें तो 2000 मीटर इसकी गहराई है या मोटाई है जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है, और अधिकतम ये कुछ जगहों पर देखने को मिली है 6000 मीटर, ठीक। तो ये फैक्ट आंसर लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
तो ये कुछ फैक्ट है। अब मैदान के अंतर्गत जो हमको मेन पढ़ना है वो ये है, उच्चावच की दृष्टि से है ना, हाइट की दृष्टि से अलग अलग संरचना का निर्माण हुआ है, तो उस आधार पर मैदान का विभाजन हम कैसे कर रहे हैं, ये कुछ है। और दूसरा प्रादेशिक विभाजन, कि जो धरातली विशेषताओं के आधार पे प्रादेशिक दो दो आधार पे हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान को समझ सकते हैं। एक तो विभाजन हो गया उच्चावच की दृष्टि से, जिसको भाबर, तराई, बांगर, खादर ये सब देखेंगे, और यही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, देखिए भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रादेशिक विभाजन अगर करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान का, तो पंजाब का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान कह सकते हो, राजस्थान का मैदान हो गया, गंगा का मैदान जिसको तीन भाग में बांटते हैं फिर, है ना, और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम में देखने को मिलेगा, यही सबसे सकरा है, 80 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया प्रादेशिक विभाजन, बट ये है इम्पोर्टेंट, भाबर, तराई ये सब क्या है, इसको देखते हैं, इस वाले मैप में देखें, इसमें देखते हैं पहले। ये हमारा हो गया हिमालय, ठीक है, अब हिमालय से काफी सारी नदियां आ रही है, मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है, तो ये जैसे आप ब्लू कलर में आप देख रहे हैं रिवर आ रही है, तो ये जब रिवर आएगी मैदानी भाग में आएगी पहले, तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टान, कंकड़, पत्थर लेके आएगी, ठीक है, ये अभी के प्रोसेस नहीं है, लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस है, ठीक है भाई। सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, और हो गई ब्रह्मपुत्र नदी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंधु नदी हो गई एक तो है ना, सतलज होगी, गंगा को नहीं बोल रहे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों की खास बात क्या है, इनका जो निर्माण है या प्रवाह है वो किसके पहले से चल रहा है, हिमालय के निर्माण के पहले से, क्योंकि इनका ओरिजिन आप देखेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है। ये तीनों ही नदी लगभग लगभग एक ही मानसरोवर झील के आसपास से ही इनका ओरिजिन हो रहा है तीनों का ही, ठीक है। सिंधु और सतलज तो इंडिया में आ रही है, ब्रह्मपुत्र थोड़ा घूम के आ रही है ना, क्यों घूम के आ रही है भाई, बनावट ऐसी चट्टानों की संरचना, जिधर ढाल रहेगा उधर नदी का पानी जाएगा, ठीक है। तो ये तीन जो प्रमुख नदियां हैं ना, इनका निर्माण या इनका प्रवाह जो है हिमालय, यानी कि जो तीन रेंजेस है, ग्रेट, लघु हो गया, लेजर और शिवालिक, इनके निर्माण के पहले से ये प्रवाहित हो रही है, और जब इनका निर्माण हो रहा था तो ये नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र को बनाई रखी है, ठीक है, मतलब वो काटती जा रही है, चट्टान इस प्रकार से पर्वत बन रहा है और नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो जैसे जैसे ये ऊपर होते जा रहा है, नदी इसको काटती ही जा रही है अपने पानी से, ठीक है, तो ये अपना मार्ग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये अवसाद जो ला रही है, अब इसके बाद फिर हम गंगा नदी की बात करें, यमुना नदी की बात करें, उनका सोर्स हम देखेंगे महान हिमालय में मुख्य तौर पे, ठीक है, जो गंगोत्री, ग्लेशियर, सतोपंत है, ये सब महान हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। तो ये जो नदियां हैं प्रवाहित हो रही है, जब मैदान में इंटर करी तो अपने साथ कई सारे कंकड़ पत्थर लेकर आ रही है, तो उनको भी तो जमा करेगी ना कहीं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला हो गया हमारा माउंटेन, इस प्रकार से कुछ नदी इस प्रकार से आई मैदानी भाग में इंटर की, ठीक है, तो अपने साथ जो अवसाद लेके आई उसको जमा करेगी, और उन्हीं अवसादों को यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पत्थर कुछ इस प्रकार से, जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया की कुछ रिवर्स को देखेंगे ना, अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे नदी किनारे, ठीक है, देखे हो नहीं देखे हो फोटो वगैरह इमेज में, है ना, देखे हो ना, या मूवीज वगैरह कोई देखे होगे जिसकी शूटिंग, तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पत्थर बेसिकली लाए गए हैं नदियों के द्वारा ही, है ना, इतने ज्यादा मात्रा में हो गए हैं, और अब पत्थर है तो पत्थर के नीचे गैप रहेगा, तो जो बड़ी नदियां जिनमें पानी ज्यादा है उन्हीं का पानी ना, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं भाबर, ये जो बड़े बड़े कंकर पत्थर जो लाए गए हैं नदियों के द्वारा इसी को हम कहते हैं भाबर, ठीक है। तो भाबर और एक पूरा रीजन में फैला है तो उसको प्रदेश नाम जोड़े थे, तो भाबर प्रदेश भी कहते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में है, ठीक है, इस कारण से तो भाबर प्रदेश हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े छोटे मोटे ऐसे पत्थर वत्थर मिलेंगे काफी सारे, तो जो छोटी नदियां हैं उनका जो पानी है इनके नीचे से प्रवाहित होता है, ठीक है। कुछ बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा की बात करें, सिंधु की बात करें, तो बड़ी नदियां, इनमें जल का स्तर भी ज्यादा है, ठीक है, तो उन्हीं नदियों का पानी इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा प्रवाहित होते हुए, अदरवाइज जो छोटी नदियां हैं जैसे रामगंगा हो गई, कुछ घाघरा, गंडक, ये सब जो नदियां हैं, ठीक है,
तो इन नदियों का पानी इसके नीचे से प्रवाहित हो रहा है, भाबर रीजन में, भाबर प्रदेश में, ठीक है। तो नीचे से प्रवाहित हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं तो धरातल पे आएगी। तो जिस स्थान पे धरातल पे आई ना, कौन सा पे नहीं है ये वाला जो रीजन, यहां पे तो कभी ना कभी तो आएगी, ठीक है। तो ये जो स्थान है यहां पे अब नदियों का पानी धरातल पे आया, तो उसे हम कहते हैं तराई। ये जो प्रदेश हो गया ये है तराई। ये हिमालय है, उसके बाद मैदान आ जाता है। मैदान के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मैदान के ही अंतर्गत है, पहला आएगा भाबर। नदी जैसे ही इंटर की तो भाबर प्रदेश, जहाँ पे बड़े बड़े छोटे मोटे चट्टान आपको मिलेंगे। खास बात यह है कि इन चट्टानों के नीचे से पानी प्रवाहित हो रहा है। जो बड़ी नदियाँ हैं केवल उन्हीं के पानी आपको इसके ऊपर प्रवाहित होते दिखेंगे, बाकी छोटी नदियों की इसके नीचे से प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो भाबर आया, इसके बाद आया तराई, क्योंकि तराई वो क्षेत्र है जहाँ पे नदियाँ वापस से धरातल पे आई, तो तैर के आई तराई, नदी तैर के आई। नदी में हम लोग तैरते हैं, नदी खुद तैर के आई, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्लियर यहां तक। तराई यहां पे धरातल पे पानी आया, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 8 से 10 किलोमीटर के लगभग है भाबर प्रदेश की। अगर हम हिमालय के फुटहिल से बात करें मैदान की ओर, तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई, और ये जो तराई प्रदेश है 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है। क्लियर यहां तक, मतलब ये वाला जो क्षेत्र इससे ज्यादा चौड़ा है, और यही क्षेत्र तराई, क्योंकि अब धरातल पे अब पानी आएगा, चिकनी मिट्टी है काफी यहाँ पे, तो दलदली टाइप की सतह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो प्रदेश है ना थोड़ा दलदली है। ये दोनों ही प्रदेश, भाबर हो चाहे तराई हो, क्या कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होंगे? नहीं होंगे। एक के ऊपर तो पानी ही नीचे से जा रहा है, एक में पानी आ रहा है तो ऊपर दलदली है, ठीक है। तो कृषि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये भाबर हो गया, तराई हो गया, क्लियर यहां तक। अब इसके बाद नदियां फिर मैदानी भागों में प्रवाहित होंगी, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ नदी बना देते हैं, या इसी को आगे बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब नदी जब आगे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो अब उसके साथ कई सारे गाद, सिल्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, मिट्टी के कण है ना, वो सब तो लाई रही है। यहाँ पे तो चलो पत्थर को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, नीचे आई पत्थर को लेके आई। अब पत्थर को तो ज़्यादा दूर तक बहा के कहाँ से ले जाएंगे भाई, इतना तो पावर होना चाहिए। जो गाद है, जो मिट्टी है, छोटे छोटे कण है ना, पार्टिकल्स, वो सबको तो प्रवाहित करेगी ही है ना। तो अपने साथ नदी से प्रवाहित, मतलब सिर्फ पानी लेके नहीं जाती, मिट्टी के कण गाद लेके भी जाती है बड़ी मात्रा में। कभी आप डैम देखेंगे, जैसे कि इस प्रकार से डैम बना हुआ है ना, ठीक है, कैसे बना रहा हूँ, जैसे कि ये पानी जा रहा है इस प्रकार से, डैम है, ठीक है, और इधर से पानी बाहर आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन है ना पूरा नीचे का, यहाँ पे गाद जमे होते हैं, और उनको ना साफ करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करोगे तो भाई पानी का लेवल ज्यादा नहीं जा रहा है, तुम्हारा जो लेवल जो है ना वही मिट्टी भर भर के वैसे ही उसको कम कर दिए। तो इस कारण से आप देखेंगे ना कभी भी डैम में तो टनल वनल भी बन रहा था अंदर में, है ना, देखे वगे वो कुछ है ना, तो वो इसलिए ताकि उसको साफ ऑफ करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, नहीं तो गाद जम जम के तो पूरा इधर पूरा ही भर जाएगा, गाद ही भर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने साथ सिर्फ पानी लेके नहीं आती नदियां जो है। तो ये बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैदानी भाग में जब नदी प्रवाहित हो रही है, तो एक तो हो गया भावर, दूसरा है तराई। अब इसके बाद जब जाएंगे तो मिट्टी भी लेके जा रही है, ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी। तो मान लो ये वाला जो किनारा है, ठीक है, इधर जो मिट्टी जमा है, इस वाला जो किनारा है इधर मिट्टी जमा है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये पुरानी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, पूरी जलोढ़ मिट्टी लेके आ रही है, पुरानी जलोढ़ है, ठीक है, नहीं, बांगर, ठीक है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसे कहा जाता है बांगर। तो बांगर मिट्टी, और पूरा जो क्षेत्र में मिट्टी फैली है तो प्रदेश हो जाएगा, तो बांगर प्रदेश बोल सकते हैं, ठीक है। ये बांगर हो गया, और इसके पास में, अब नदी के पास में आपको मिलेगी और एक सतह इस प्रकार से, ठीक है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये पुरानी है, ये नवीन है, तो नवीन को कहा जाता है खादर।
ये खादर जो प्रदेश हो गया, जहाँ पे खादर मिट्टी है, यहाँ पे नदियों का पानी हर साल पहुँचता है। तो हर साल जो पुरानी मिट्टी उसको प्रवाहित करते हुए आगे ले जा रही है और अपने साथ नई मिट्टी ला रही है, उसको जमा करते जा रही है। ठीक है, ये बांगर प्रदेश हो गया पुरानी मिट्टी, और खादर नई मिट्टी, दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है कांप प्रदेश। तो अगर हम क्रम देखें कैसे कैसे आ रहा है, तो पहले तो हिमालय से नीचे आई, तो सबसे पहले देखिए भांगर, फिर उसके बाद भांगर में नदियां जो है नीचे प्रवाहित हो रही है, फिर ऊपर आई तो तराई, तैर के आई, तराई हो गया, दलदली क्षेत्र है, उसके बाद नदी अपने मार्ग में आगे बढ़ रही है, तो फिर अपने साथ जो गाद मिट्टी के कण लेके आई उसको जमा करेगी आसपास, कहीं दूर तो फेंक के नहीं आएगी, आसपास ही जमा करेगी। ठीक है, तो जो पुरानी है उसे कहा जाता है बांगर, और जो नई मिट्टी है, नई मिट्टी हर साल चेंज होगी प्रवाहित होते हुए, हर साल मतलब ऐसा नहीं इस साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगला आएगा, वो रोज का काम है उसका, है ना। तो ये काम है, ठीक है। तो बांगर और खादर कांप प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, मतलब भाबर, तराई, फिर कांप प्रदेश। कांप प्रदेश में दो पार्ट, बांगर पुरानी मिट्टी, खादर नई मिट्टी। ठीक है, ये जो इसका निर्माण हुआ है बांगर का, हमने देखा सेनोजोइक, याद है आपको, सेनोजोइक पीरियड की बात करें, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने एपक देखा है, नहीं सेनोजोइक तो एरा हो गया, फिर टर्शियरी क्वार्टरनरी देखा पीरियड, तो क्वार्टरनरी में दो देखे, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। अभी जो वर्तमान में होलोसिन चल रहा है, तो प्लिस्टोसिन है ना, प्लिस्टोसिन होलोसिन के बारे में हम लोग, मैं बताया हूँ शायद, कि उस समय काल में मैदान का निर्माण हुआ, अभी भी जारी है। ठीक है, तो ये जो बांगर प्रदेश है ये प्लिस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ है, मतलब कि काफी लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। ठीक है, प्लिस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ है भाई, क्योंकि नदी तो कई करोड़ों साल से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसी कारण तो हम लोग देख रहे हैं ना कि मोटाई जो है कहीं पे 2000 मीटर से 6000 मीटर के बीच, भाई इतना किलोमीटर गहरा होना, तो इसके लिए लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस तो लगेगा ही। तो ये कांप प्रदेश आता है, कांप प्रदेश के अंतर्गत बांगर है, खादर है, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये है पुरानी जलोढ़, किसको कह रहे हैं, बांगर को, और खादर है नवीन जलोढ़ या नई जलोढ़। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यही बांगर प्रदेश में कुछ कुछ और फैक्ट है, उसको देखते हैं। भाबर हो गया, तराई हो गया, कांप हो गया, ठीक है। ये जो शंकु है, शंकु क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये आप देखें, यहाँ से पहाड़ से नदी आ रही है, तो नदी आएगी ना तो कुछ इस प्रकार से डिपॉजिट करेगी अवसादों का, इस प्रकार से सीधा रेखा में तो आएगी नहीं, अवसाद कुछ इस प्रकार से डिपॉजिट होगा, है ना। तो ये एक फैन की तरह दिख रहा है ना, एक पंख की भांति दिख रहा है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है पंख। और साथ में ये कुछ मिट्टी, जो जो मिट्टी लेके आ रही है उसका नाम क्या है, प्रमुख तौर पे जलोढ़ मिट्टी है, तो इसलिए इसे कहा जाता है हिंदी में जलोढ़ पंख, ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल फैन। ठीक है, जलोढ़ पंख, क्लियर। यही संरचना है, जो भी जितनी भी नदियां आपको हिमालयी नदियां, वो सभी लगभग जलोढ़ पंख का निर्माण करेंगे ही। जब वो हिमालय पर्वत से नीचे मैदान की ओर आ रही है, तो एक सीधी रेखा हम तो डिपॉजिट नहीं करेगी, अभी डेल्टा भी देखेंगे आगे, ठीक है, तो वो भी तो फैलेगा। ठीक है, अगर स्लोप जो है, ढाल जो है वो मंद है, तो पानी फिर इधर उधर फैलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएगी उसकी कई सारी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो संरचना आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ पंख, हिमालय की जो नदियां हैं वो लगभग लगभग सभी आपको बनाते हुए दिखाई देंगी, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र सारी, ठीक है, जलोढ़ पंख। तो ये है जलोढ़ पंख, या इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल फैन। ठीक है, इसके बाद जो प्रमुख था, एक है रेह और एक है भूर, ये दो इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा बांगर और खादर के बारे में, ठीक है, तो वापस से आते हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया हमारा बांगर रीजन, ये खादर। खादर जो है वो नवीन जलोढ़ है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ आपको मिलेगा कोई क्षेत्र तो खादर प्रदेश है, ठीक है, जो खेती की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपजाऊ है ना। और बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ है ना। बांगर को आप रिलेट करना बंजर से, ठीक है, और बंजर मिट्टी आप जानते हैं कृषि की दृष्टि से उतनी उपजाऊ होती नहीं है, ठीक है, तो बांगर को बंजर से, खादर को खाद से रिलेट करना, खाद डालेंगे तो फिर उपजाऊ हो जाती है, ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब बंजर भूमि है अगर बांगर, तो वहां पे कृषि के लिए फिर कुछ विशेष उपाय की जरूरत है। पहली बात तो सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए, अब पानी तो यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो सिंचाई कैसे करें, तो सिंचाई करने के लिए फिर यहाँ पे ट्यूबवेल लगाएंगे, कुआं खोदेंगे, ठीक है, और ये जो काम है
अब हम जैसे देखेंगे पंजाब वाला जो रीजन है, पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान है, अधिकांशतः ये जो प्रदेश है वहाँ पे बांगर मिट्टी पाई जा रही है। खादर मिट्टी भी ऐसा नहीं है लेकिन बांगर मिट्टी ज़्यादा है। अब बांगर मिट्टी ज़्यादा है, अब देखेंगे आप कि पंजाब हरियाणा तो भाई बांगर आप बोल रहे हो लेकिन कृषि की दृष्टि से देखे तो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है ना। तो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ इसलिए है क्योंकि मिट्टी तो अच्छी है, चलो ठीक है, बट पानी वहाँ पे उस लेवल पे नहीं मिल रहा, इस कारण से वहाँ पे कई सारे ट्यूबवेल, कुएं, वो सब खोदे गए, बांगर प्रदेश है तो, और उसी के चलते वहाँ का जो जल स्तर है वो हो गया है कम। तो ये एक बड़ी समस्या का विषय, क्योंकि वहाँ पे धान वगैरह की खेती अगर ज़्यादा करें, चावल की खेती का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि चावल पानी बहुत ज़्यादा लेता है, तो जल स्तर में कमी आती है। कुछ ऐसे देश हैं है ना जो चावल खेती नहीं करते, इम्पोर्ट करते, क्योंकि खेती करेंगे तो हमारा पानी खूब सारा जाएगा, है ना। हमारे किसी एक मंत्री ने कुछ समय पहले कमेंट किया था कि हम चावल का मतलब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम चावल का जैसे निर्यात कर रहे हैं किसी देश को, तो हम सब न सिर्फ चावल का निर्यात कर रहे हैं मतलब पानी का भी निर्यात कर रहे हैं हमारे देश का, ठीक है। अब जो ऐसा कंट्री होगा वर्ल्ड में जहाँ पे पानी ही कम है, उसके लिए चावल की खेती करना फायदे का काम नहीं है, पीने के लिए तो पानी बचा लो पहले, ठीक है। अभी जो एक कंट्री है अफ्रीका में, नाम उसका कौन सा है, नामीबिया है कि तंजानिया है याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा अकाल पड़ गया है, अब लगभग 100 सालों का सबसे बड़ा अकाल, भयानक, खाने का कुछ नहीं वहाँ पे, ठीक है। नहीं, बुरुंडी की बात नहीं कर रहे, अभी जो अकाल पड़ है ना वहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग 100 सालों का सबसे बड़ा नामीबिया है आई थिंक, है ना, एक बार देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे वहाँ की सरकार ने क्या ऑर्डर दिया है, लगभग 760 जानवरों की उन्होंने लिस्ट बनाई है, इसको मारना है आपको करके, उनको उसको मारेंगे, उसके मांस को बांटेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं है। 700 कितना बताया ना, 750 के आसपास, उसमें लगभग 300 के आसपास या 200 या 300 हाथी है, ठीक है, पढ़े थे ना। हाँ, अब ये जो चीज है, गवर्नमेंट ने जब इस प्रकार के ऑर्डर जारी किए तो इसका डिसएडवांटेज ये देखने को मिलेगा कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होंगी वहां की, वो क्या करेंगी, अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, डेटा कौन गिनते बैठेगा, और ज्यादा 700 बोले, पता चले 7,000 मार रहे इधर, है ना, ये होता है, क्योंकि ठीक है वहां पे खाने की कमी है। नामी भी है या कौन सा देश याद नहीं, अफ्रीका का इतना पता है, अभी अभी की बात है। हाँ, तो बिल्कुल वहां पे ना मतलब पानी पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब मैंने न्यूज़ में जो पढ़ा था ना, लगभग 100 सालों का सबसे बड़ा है ऐसा कुछ था, ठीक है। हाँ, वो हो सकता है, तो हाथी है, कई सारे और जानवर हैं, उनकी लिस्ट बनाएगी, बताओ ऐसा सीन। और हमारे यहाँ तो कई खाना वेस्ट कर देते हैं, मन नहीं कर रहा खाने का, छोड़ो हटाओ, ठीक है, यहाँ पे खाने के लिए नहीं है लोगों के पास। तो क्या बता रहा था वैसे, मैं पढ़ा क्या रहा था, बांगर वाला कुछ बता रहा था, है ना। हाँ, पंजाब में तो ट्यूबवेल, तो जल स्तर हो गया है कम, है ना, तो इसी कारण से ना जो कई सारे जो कृषि से संबंधित जो संस्थान है वो ये सुझाव दे रहे हैं कि चावल की खेती को छोड़ के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर हमको जाना है, विविधता पे जाना है भाई, और भी खेती है दूसरा करो, वहाँ पे तो वैसे गेहूं का उत्पादन होता ही है, लेकिन चावल जिसमें पानी ज़्यादा है उसको छोड़ के, क्योंकि क्लाइमेट वैसे भी चेंज हो रहा है, वर्षा का वितरण असामान्य है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ठीक है। तो इस कारण से अब ऐसे फसलों की ओर हमको शिफ्ट होना चाहिए जो पानी की दृष्टि से भी ज़्यादा मतलब सही हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और दूसरी बात यह है कि लोग खेती इसलिए ज़्यादा करते हैं चावल की, क्यों करते होंगे, चलो बताओ मुझे, आप लोग थोड़ा गेस करो। नहीं, खाना तो चलो ठीक है, लेकिन आप देखो ना चावल को उत्पादन ना हम ज़्यादा ही करते हैं फिर भी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर हैं हम राइस के, है ना। सबसे पहले नंबर पर उत्पादन चावल का कौन करता है, नहीं, अगर कंट्री की बात करें तो, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा, कितना सिंपल है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, सिंपल, नहीं, सेकंड में इंडिया, पहले पे चीन, ठीक है, पहले पे चीन, सेकंड पे इंडिया, ठीक है। हाँ, गन्ने पे होगा, तो पहले पे है चीन, सेकंड पे इंडिया, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था। हाँ, तो नहीं, तो उसका रीज़न ये है कि एक तो पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा इम्पोर्ट जब कर रहे हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में देखें तो ऐसा समझ सकते, जो उत्पादन चावल का कर रहा है क्या पता हो दूसरा हो, इम्पोर्ट क्या पता बासमती कर रहा हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि चावल की अलग अलग वेरायटी, सबसे जो टॉप का है बासमती आपको पता ही है, ठीक है। बासमती चावल का जो मेन जो ओरिजिन है ना, वो ईरान साइड से था, ठीक है, लेकिन आज इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे किया इस फील्ड में, ठीक, और पाकिस्तान भी
बेसिकली ईरान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में ईरान, उसके ईस्ट इधर आएंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो पाकिस्तान थोड़ा चिढ़ता है इंडिया से, है ना, क्योंकि इंडिया ज़्यादा मतलब बोल सकते उत्पादन कर रहे हैं बासमती का, तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा, इंडिया का ही कब्जा बना हुआ है वर्ल्ड मार्केट पे, ठीक है। तो पाकिस्तान भी बोलता है कि बासमती हमारे यहाँ का है मेन ओरिजिन, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक पे आते हैं, ये मैं बता रहा था, बांगर जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्योंकि पानी की कमी है तो यहाँ पे ट्यूबवेल्स, कुएं, ये सब ज़्यादा मिलेंगे, तो इसके कारण से यहाँ पे जल का जो स्तर है कम हो गया है, और मिट्टी है थोड़ी सी लवणी हो गई है ज़्यादा सिंचाई के कारण से। तो लवणी मिट्टी हो गई है, तो इस मिट्टी पे जो बांगर प्रदेश है यहाँ पे ना सफ़ेद कलर की परत देखने को मिलती है मिट्टी के ऊपर कई स्थानों पे, ठीक है। यही जो सफ़ेद परत है जो बांगर प्रदेश में आपको मिलेगी, हाँ, नमक, ऑब्वियस सी बात हो, उसी कारण से लवणी हो गई मिट्टी, ठीक है, ज्यादा सिंचाई हो रहा है। तो इसी सफेद जो प्रदेश है ना, इसे कहा जाता है रे, ठीक है, रे, या इसे और नाम से हम जानते हैं कल्लर, ठीक। तो ये जो हमने था ना रे, ये वही है, रे हो गया या कल्लर हो गया। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, बांगर प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि सिंचाई ज्यादा हो रही है। क्या हो गया, कौन है बच्चा है क्या? तो कल्लर हो गया, ठीक है, या रेह कहेंगे, बांगर प्रदेश से मिलेगा, सिंचाई ज्यादा हो रही है, मिट्टी लवणी हो गई है, जल स्तर वैसे भी कम है, सफेद कलर की परत मिलेगी, नमकीन परत, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा बांगर प्रदेश में, ठीक। तो इसे कहते हैं रेह या कल्लर, ठीक है। अब बांगर प्रदेश में ही जो चट्टानों का अपरदन हुआ है, हम देख रहे हैं ना प्लेस्टोसिन काल, लाखों करोड़ों साल पहले निर्माण हुआ है, तो अपरदन भी होगा उसका। तो अपरदन हुए हैं तो कुछ जो भूमि के खंड है उबड़ खाबड़ हो गए हैं, रेतीले हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रेतीले टाइप के हो गए हैं, खंडहर टाइप के, जिनका अपरदन हुआ है, चट्टाने जो प्लेस्टोसिन काल में जो पूरा बांगर प्रदेश बना है। एक तो मिट्टी की परत, हम मतलब सफेद कलर की परत देख रहे हैं जब ज्यादा सिंचाई हो गई है, तो उसको कह रहे हैं रेह या कल्लर। अब ज्यादा अपरदन हो गया यहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टियों का, तो बचे क्या हैं, बालू के कण बड़े बड़े, ठीक है, बालू के ढेर, तो उसे कहा जाता है भूर, ठीक है। ये है बालू के कण, ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा रेह और है फूड, हो गया, समझ आया यहां तक, क्लियर। तो यहां तक हमने देखा भाबर प्रदेश है, उसके बाद है तराई, तराई में नदियां तैर के आई, फिर वो प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित हो रही है तो अपने साथ पानी के साथ साथ गाद लेके भी जा रही है। पहले जो पुरानी जो गाद है, पुरानी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वो थोड़ी दूर दूर में है ना, क्योंकि वहां तक नदियों का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो है बांगर प्रदेश, नदियों का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो थोड़ी सी बंजर टाइप की हो गई है, ठीक है। तो बंजर टाइप की हो गई है, तो खेती के लिए मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी खादर है, खेती उसमें ही पॉसिबल है, पॉसिबल है तो पानी तो है नहीं, तो पानी नहीं है तो कैसे करेंगे, तो ट्यूबवेल, तो वो सब किए, पानी का स्तर भी कम हुआ और लवणी हो गई मिट्टी, तो सफेद कलर की परत जमी बांगर प्रदेश में, तो उसे कहें रे या कल्लर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएगा, रे या कल्लर क्या है, तो जो बता रहा हूँ याद रखना, एक लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, तो ये पूछा जाता है बांगर, खादर, ये तो भाबर तराई बहुत बार पूछा है, रे, कल्लर, भूर, ये सब क्या है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसे कम आ रहा है, यूपी बिहार में तो कई पूछे जाते हैं, वहीं तो है ये सब चीज, ठीक है। तो ये हो गया रेह या कल्लर, सफेद परत है ना, अभी तो इमेज नहीं लगाया हूँ, कल क्लास में देखता हूँ, एक आध मिल जाएगा ना, नेट में तो लगाऊंगा फिर दिखाऊंगा। और उसके बाद बालू के जो कण है, अपरदन हुआ है, निक्षेपण हुआ है, मतलब निक्षेपण नहीं बोलेंगे, अपरदन जो हुआ है ये जो बांगर प्रदेश का, तो रेत के बड़े बड़े टीले टाइप के बन गए हैं, है ना, बालू के ढेर टाइप के, तो उस बालू के ढेर को कहते हैं भूर, ठीक है। और एक देखिए हम लोग शंकु, जो यहाँ पे नदी आ रही है, तो इस प्रकार से अवसाद बनाएगी, एलुवियल फैन, ठीक है। तो ये आपको हिमालय के फुट हिल में देखने को मिलेगा, फुट हिल समझ गए ना, पैर के पास जो हिल है ना उसका, जो ये हो गया फुट वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पे क्लियर है। और इसके बाद डेल्टा वगैरह है, उसको मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है, समझ आया तक। तो पूरा याद करना फिर, जितना हम लोग आज पढ़े, आज हम लोग ने ये प्रमुख दर्रे पढ़े, ठीक है, क्लियर।
प्रश्न आता ही है।